फ्रेंड्स इस तरह का जो बोल्ड आई लाइनर है देखने में बहुत अच्छा लगता है तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल और हेलो एवरी वन आपको सिंपल से लिक्विड आई लाइनर लेना है या स्केच आई लाइनर जो भी आपके पास अवेलेबल हो आपको जस्ट विंग आई लाइनर क्रिएट करना है लेकिन आपको फुल आई में नहीं लगाना है उसे आपको सिर्फ हाफ आई में लगाना है जिस तरह से मैं क्रिएट करूँगी अभी आप आपको बस उसी तरह से लगाना और बहुत ही सिंपल है बहुत ही इजी है लेकिन जब इसे लगाते हैं और जो फाइनल लुक आता है वो देखने में बहुत ही बोल्ड क्लासी लगता है और आप इसको रेगुलर बेसिस पे भी ट्राई कर सकते हो आपको जस्ट अपनी जिस तरह से हम विंग आई लाइनर क्रिएट करते हैं आपको उसी तरह से इसे क्रिएट करना है आई के एज पे आपको पहले एक लाइन क्रिएट करनी है और उसी लाइन से आपको नीचे की साइड आते हुए अपना लाइनर लाना है और पहले थिन लाइन क्रिएट करनी है और उसके बाद उसको फिल करना है उस एरिया को जिस तरह से मैं कर रही हूँ आई होप आप देख पा रहे हो और बस आपको हाफ आई लेट पर ही इसे करना है और वी शेप बना देनी है बिल्कुल और बिल्कुल ऊपर तक ले जाना है विंग को ये देखिए इस तरह से और बहुत ही सुंदर लगती है आंखें बड़ी बड़ी भी लगती है और कुछ अलग सा लुक आता है और अगर आप कुछ इस तरह का बोल्ड आई लाइनर ट्राई करना चाहते हो और जल्दी के लिए भी करना चाहते हो तो देखने में बहुत सुंदर लगता है और जल्दी भी हो जाता है और अगर आप फिल करना चाहते हो तो पूरी आई भी फिल कर सकते हो बट मैं इसे इसी तरह से लगाती हूँ तो आप इसको इसी तरह से लगा सकते हो बहुत ही ईजी है और बस इतना सिंपल सा मेथड है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना दूसरों के साथ शेयर करना और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स और ये देखिए मेरी यहाँ कितनी सुंदर लग रही है बिल्कुल लुक ही चेंज हो गया है और बस इसी तरह से मैं एक आई को जैसे मैं फिल किया वैसे दूसरे को भी कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको और देखिए कितना सुंदर लुक लगता है बहुत ही सुंदर लगता है बहुत ही बोल्ड लगता है आप इसको पार्टी फंक्शन में भी ट्राई कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाय बाय